जब ये माइनस था मैं क्या कर रहा था, टोटल लेंथ माइनस दिस लेंथ कर रहा था। अब देखो दिस वाज द टोटल लेंथ माइनस दिस लेंथ कर रहा था ना। देखो टोटल लेंथ सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू माइनस दिस लेंथ ना, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू इंटू कॉस टू, ये कर रहा था ना। सपोज मैं प्लस करता हूं, सपोज मैं यहां प्लस साइन ले दिया तो ग्राफ कैसे मॉडिफाई होगा। मैं टू थ्री को प्रोवाइडेड आई टेक इट फ्रॉम दिस साइड, मैं टू थ्री को इधर से ले लूंगा तब ये टोटल लेंथ प्लस दिस लेंथ होगा ना। जब टू थ्री को मैं इस तरफ लेता हूं आई एम माइनसिंग दिस, जब टू थ्री को इस तरफ लूंगा आई एम प्लस इट। तो इक्वेशन और टेल यू हो दैट यू विल टेक फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड। इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन में इफ इट इज माइनस यू टेक इट फ्रॉम दिस साइड, इक्वेशन में सपोज प्लस यू टेक इट फ्रॉम दिस साइड, सो दैट दे विल सैटिस्फाई द इक्वेशन। अभी तक समझा है कि नहीं। अब जब इसको प्लस कर देंगे अब ये दोनों यूनिट को प्लस ऐड करना पड़ेगा, दिस इज द सेंटर तक लेंथ है प्लस ट्रायंगल का इतना लाना पड़ेगा। तब टू थीटा को यू हैव टू टेक फ्रॉम द अदर साइड, ए वी फ्रॉम द ओरिजिन, तब थीटा क्या है, तब थीटा इज विद सिग्मा टू सिग्मा थ्री, ये आप प्लस करोगे ना, आप प्रोवाइडेड इट विद सिग्मा थ्री तब वो प्लस आएगा, तब ये ग्राफ होगा इधर से। तीनों कैसे कनेक्टेड आप देखो, यू कैन टेक टू थीटा फ्रॉम दिस साइड if there is a plus here, where it will be plus, where theta is the angle between sigma 3 and the plane. So your starting point कहाँ से, वो decide करेगा more circle का pattern होता है। Both are same, whether you take from this side or from this side, no difference. But theta is what you should understand. Theta आप किसके साथ ले रहा है? प्रॉब्लम का केस है सर इसमें देन हां, प्रॉब्लम का केस है इसमें प्रॉब्लम यहां, तो यहां सपोज दिस एंगल 60 डिग्री एंगल, आई रोट ना सिग्मा 1 इज इक्वल टू 15 और 20, सिग्मा 3 इज इक्वल टू 10, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, आई गेव यू 60 डिग्री ना विद सिग्मा 1, व्हाट इज सिग्मा 3 हाउ मच, 30, सिग्मा 3 विद 30 ना अदर वन, सो थीटा विल बी हाउ मच 60 ना, यहां प्लस करके आपको यहां 60 करना पड़ेगा, तो ग्राफ विल बी फ्रॉम दिस साइड, सेम लग रहा है यहां आपका, हां सेम आएगा ना, माइनस करके करें तो 120 का माइनस करते यहां 120 आएगा, प्लस करेंगे तो 60 आएगा, पर लाइन में सेम प्लेस। ये प्रॉब्लम है उसका, तो इसलिए आप सोच रहे ये कितना मेजर लग रहा है वो, पर किताब फिर भी फॉलो वन पैटर्न, बट नाउ आई हैव ए बुक टू हिम टू रीड, नो इट इज फॉलोइंग बोथ द थिंग्स, है कि नहीं। वो किताब में गलत लिखा था ना, बहुत वही ना, दिन में फॉलो करता आराम से, रात फॉलो करता है मैं, ये ए वर्ड देता हूं थोड़ा, एनीवे नॉट दिस क्रिटिसाइज एनीबॉडी, बट यू शुड बी केयरफुल सेम टाइम आल्सो, सेम टाइम आप क्या यूज करते हैं, यू कुड टेक अप अ वर्क लाइक यू नो फेल्योर इंजीनियरिंग ज्योरी पर्टिकुलरली, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपका कंस्ट्रक्शन ही खराब हो जाएगा। अभी तक समझा ना, कौन सी साइड से लेना है। सो आई जनरली फॉलो दिस प्रोसीजर यू नो, लेट अस टेक विद सिग्मा 1, सिग्मा 1 से थीटा लो, फिर इसमें माइनस करो, फिर ये एंगल ऐसा लो, 30 क्या बोल रहे हो नाउ, सिग्मा 1 इज दिस, सिग्मा 3 इज दिस, सिग्मा 2 समझा, पहले जब वो प्रॉब्लम में दिया था ये वाला प्रॉब्लम, सिग्मा 1 60 डिग्री, इधर यू यूज 120 डिग्री, 60 * 2
इधर होगा यहाँ से प्लॉट करोगे आप 120 जाएगा समझे कि नहीं तो व्हाट इज सेज सपोज वी विल टेक दिस एज विथ सिग्मा 2 इसके साथ कितना एंगल होगा 30 डिग्री होगा 90 माइनस 60 ये 30 डिग्री होगा यहाँ कौन सा सिंबल यूज करोगे प्लस यहाँ थीटा थीटा कहाँ से लोगे आप यहाँ से नहीं ले सकते आप यहाँ से 60 लोगे यहाँ से 60 लेना यहाँ से 120 लेना एक ही बात है ना वही है बात दिस इज डिपेंड जस्ट कन्वेंशन कुछ नहीं बट एक कन्वेंशन आप हमेशा फॉलो करना वो गलत नहीं कर देने का यहाँ यहाँ 60 डिग्री लिया वहाँ माइनस कर दिया नहीं सॉरी वहाँ प्लस कर दिया फिर सब अभी तो समझा ना कोई प्रॉब्लम नहीं ना सो था यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट्स यू नो बिकॉज आई डोंट नो स्ट्रेस पार्ट स्ट्रेन पार्ट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट देयर आल्सो यू यूज मोस्ट व्हाट द ओवर यूज इज का कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेन इन सियर जोन इन द फोल्ड इन मोर सर्कल नोबडी यूजेस द फॉर्मूला ठीक है जो भी है जैसे भी है आप लोग अभी आप देखो आप 60 डिग्री लिया सपोज यू आर टेकिंग 60 डिग्री विद सिग्मा 1 व्हाट इज द प्लेन प्लेन विल बी हियर ना So this will be the normal stress यहाँ से यहाँ तक understand ना suppose आप लिया उस sigma 2 theta ले 30 degree हुआ वो point इधर ही आएगा so this length will be same ना नहीं समझे माँ doubt in this figure I am not understanding just I will tell you I will again tell you don't
इनटू कॉस 16 देन कैसे इक्वेशन एक आ जाता है सो दिस विल बी 15 प्लस 5/2 हो गया ये प्लस आ गया कॉस 16 प्लस 17.5 इक्वेशन भी ठीक है अब इसको प्लॉट करेंगे तो मोहन सर पे तो आप आया 10 ये 20 आप सर्कल ड्रा करो ड्रा किया तो आप क्या करोगे टू थीटा इक्वल टू हाफ ऑफ 60 डिग्री तो फ्रॉम व्हिच साइड इट शुड गो हां तो दिस साइड गो 60 ऐसा आ गया तो दिस विल बी 17.20 दोनों सेम देता है तो व्हिच वन यू आर फॉलोइंग दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट आइदर यू फॉलो दिस और फॉलो दैट हां दिस टू थीटा काफी असेंबली इज इक्वल इन ऑपरेशनल लॉजिकल एक्सटेंशन टू हां कन्वेंशन इज सेम फ्रॉम ओरिजिन साइड इफ इट इज सिग्मा 1 अदर साइड इट इज 3 सिग्मा सेम वे बट सर अगर विजुअली देखते हैं तो सिग्मा 1 तो अपोजिट होता है उससे ओरिजिन से दूसरी साइड से वो आप पकड़ो मत आप पकड़ो मत आप पकड़ो मत जुल में दिस वन यू आप सपोज यू वेंट टू कंपनी ओनर ही सेड 40 डिग्री द एंगल बिटवीन सिग्मा 1 के साथ 40 डिग्री तो व्हिच इक्वेशन यू शुड फॉलो फटाक से ले लो इसको सपोज ही टेलिंग यू सिग्मा 2 इज 40 डिग्री वो इक्वेशन ले लो या 90-40 करके इसको लगाओ ये बात है तो आप जो बोलते हैं ना सिग्मा 1 के साथ 60 डिग्री सिग्मा 1 तो इस तरह रहता है उसके साथ नहीं है वो ओरिजिन के साथ था ओरिजिन के साथ एंगल काउंट ठीक है ना पता टाइम है नॉट सैचुरेटेड ना थोड़ा पहले खाली पता था वी डू नॉट नो व्हेन नेक्स्ट वी विल मीट पता नहीं है बहुत छोटे छोटे समय हूँ देखो प्लीज बट एनी लेट्स सी द अदर पार्ट ठीक है यहाँ तक तो आप पता लग गया व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंटरी प्लेन व्हाट इज कॉम्प्लीमेंटरी प्लेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंटरी प्लेन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंटरी प्लेन ऑफ दिस प्लेन कितना व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंटरी प्लेन ऑफ दिस प्लेन 60 डिग्री कैसे मैं कहां से प्लॉट करूंगा मैं लाइक दिस ये एंगल 60 डिग्री होगा टोटल इसका 60 डिग्री इसका 30 डिग्री 90 डिग्री हो गया ना इज इट द कॉम्प्लीमेंटरी प्लेन ऑफ दिस प्लेन नो क्या गड़बड़ क्या है सीधी एंगल बिटवीन तो नहीं ना द कॉम्प्लीमेंट सपोज आई हैव 30 रुपीज सो यू हैव द कॉम्प्लीमेंटरी वैल्यू हाउ मच इज यू हैव 60 रुपीज ना सो दिस प्लेन इज मेकिंग 30 डिग्री दिस प्लेन इज मेकिंग 60 डिग्री ना सो दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर ना प्रॉब्लम क्या है एंगल बिटवीन देम नहीं ना द एडिशन ऑफ टू एंगल्स शुड बी 90 डिग्री एडिशन ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री फिर आप कैसे बोलते हैं व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंटरी प्लेन Will it be like this? This is 30 degree. This is 60 degree, sir. 60 degree. Is it complementary angle? Complementary plane? आप दिमाग में रखो ये चीज दोनों चीज को रखो मैं आपको बता दूं करेक्ट है आप दोनों चीज को रखो ठीक है प्लेन इज मेकिंग विद दी 60 डिग्री अब उधर ड्रॉ कर दे तो क्या हो जाए
यहाँ भी 60 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री ड्रा कर सकते हैं ना, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, खाली यही से सपोज यही से 30 डिग्री था, उधर भी मैं 60 डिग्री कर रहा हूँ यार, उसको कॉम्प्लीमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदर इट इज करेक्ट, द वैल्यू शुड बी 90 डिग्री, कंबाइंड टुगेदर इट शुड बी 90 डिग्री, है कि नहीं? देखो क्या बोल, सपोज आई आस्क यू प्लॉट द 30 डिग्री प्लेन, 30 डिग्री प्लेन को पहले प्लॉट करो, तो कैसे प्लॉट करोगे आप, प्लॉट द 30 डिग्री प्लेन ऐसे ऐसे, 30 डिग्री प्लेन इज प्लॉटेड लाइक 2 थीटा, प्लॉट इट्स कॉम्प्लीमेंटरी प्लेन दैट इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल, सो वेयर इट विल कम 60 × 2 = 120, सो 120 आई विल गो फ्रॉम दिस साइड, देखो ठीक है ना, तो ये कौन सा प्लेन में प्लॉट किया, आइदर दिस और दिस, और तो मेरे को तो एक जगह से जाना है ना, और देखो द डिफरेंस यू सी, नाउ इफ दीज आर द टू प्लेन्स, सो वन इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द अदर, सो व्हाट इज द शियर स्ट्रेस वैल्यू, शियर स्ट्रेस वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी प्लेन, कॉम्प्लीमेंटरी प्लेन सेम ना, देखो शियर स्ट्रेस वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लीमेंटरी प्लेन सेम ना, बट द नॉर्मल स्ट्रेस वैल्यू दे आर डिफरेंट ना, समझा ही नहीं समझा, सपोज यू प्लॉट दिस प्लेन, ये प्लेन को कहाँ प्लॉट करेंगे आप बता मेरे को, सी इज नॉट अंडरस्टूड, सो आप देखो दिस इज सिग्मा, सो मैं इसको 30 डिग्री प्लॉट किया, तो द सेम डायरेक्शन आई एम गोइंग टू प्लॉट 60 डिग्री ना, आप देखो थोड़ा वेरी क्रिटिकल ना, 30 डिग्री गया फिर 60 डिग्री मैं इधर किया, सेम डायरेक्शन आई वेंट फॉर 60 डिग्री ना, सो दीज टू प्लेन्स आर प्लॉटेड ऐसे, सपोज आई प्लॉट दिस, इधर से गया 30 डिग्री गया, जाके पूरा घुमा तभी जाके यू आऊंगा, अब देखो इधर गया, यू सी द सेम ट्रेंड फॉलो टू काउंट टू द कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन, दिस प्लेन यू नो यू हैव टू कवर हाउ मच डिस्टेंस, ये कितना आएगा बताओ, 270 मेरा कहो, यहां से आप 30 डिग्री गया एनादर 270 आप जाओगे तभी तक एक प्लेन मिलेगा, थोड़ा सोचो फिर दोबारा, यहां तो कुछ नहीं 30 डिग्री गया देर 60 डिग्री गया, यहां से मिल गया ना वो प्लेन, एक ही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, ये एक ही डायरेक्शन में आप जाओ, यहाँ गया फिर यहाँ जाने के लिए आपको 30 जाके फिर ऐसे कवर करके फिर एक ओवर करके अराब हो गया, तो ये 270 लॉस इज 30, आपको 300 डिग्री एंगल जाना पड़े टू मीट दिस प्लेन, समझा ही नहीं, तो आप 300 डिग्री कैसे जाओगे इधर, तो आप तो 60 डिग्री यहाँ गया तो 300 डिग्री कैसे जाओगे आप, ये 180 ऐसे आएगा, देखो यहां से यहां 300 डिग्री होगा ना, इधर देखो 60 लेफ्ट पे, नहीं सर आप ये प्लेन प्लॉट करने के लिए आप 30 डिग्री ये प्लेन प्लॉट हो गया 60 के लिए, फिर यहाँ से 60 जाओ ना सेम डायरेक्शन में,
ये प्लेन के लिए आप 30 डिग्री घूम जा रहे हो, इसी डायरेक्शन में आप जाओ ऐसे, यू विल गो बाय 300 डिग्री टू मीट दिस प्लेन। ये प्लेन के लिए 60 डिग्री आप जा रहे हो, ये प्लेन के लिए 300 डिग्री जा रहे हो। सो दिस प्लेन विल कम हियर, अब देखो Understood or not telling me?